ज्यादा गर्म हो रहा है नहीं? हे गाइस, वेलकम टू 38 साइंटिस्ट और 38 साइंटिस्ट पे लेट्स रीजन इट विद पार्थ, दैट इज मी. व्हाट इज लेट्स रीजन इट? लेट्स रीजन इट इज अ सेगमेंट जहां पर मैं घोस्टबस्टर जैसे आंसर मास्टर बनकर आपको सवाल के जवाब ढूंढता हूं. वाओ, और उसके बाद पीटर वैंक्समैन जैसे गूगल सर्च करके आपको सही राह मतलब लीड कर. ठीक है, टू मच रेफरेंस टू घोस्टबस्टर्स बिकॉज ऑफ द टाइटल. क्या आपको वो याद है, कुछ साल पहले तक रात के समय 10:30 बजे के बाद एक हॉरर शो आते थे सोनी पे या फिर किधर, तो आहट टाइप्स या रिमेम्बर, और उसमें मेरे जैसे बच्चे आइदर उस पे हंसते थे या फिर पैंट में हकते थे. मेरे को पता है मैं कौन था, आपको पता है आप कौन थे. ठीक है, उस पे बात नहीं करेंगे, पर उसमें रात की चमक और पीपल का पेड़ सेम रहता था, कॉमन रहता था, राइट, कि ये तो होना ही चाहिए डरने के लिए. और उसके अलावा आपने भी सुना रहेगा कि पीपल के पेड़ पे रहते हैं भूत. भूत रहते हैं पीपल के पेड़ पे, पीपल का पेड़ ही क्यों, सोचा है कभी? हैं, सोचा नहीं तो सोचो अभी. जान दे इस ब्रेक के बाद जो आने नहीं वाला क्योंकि मोनेटाइज नहीं हुआ है. यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर, तो बहुत टाइम हो गया सब्सक्राइब कर, प्लीज यार, 1 साल हो गया अभी मेहनत कर रहे हैं ना. पंच, इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपल के पेड़ है, पीपल यानी लोग, सॉरी. सेकेंड, तो पीपल का पेड़ नए जगह पर कैसे उगता है? बर्ड से, मतलब वो वैसा सीड खाते हैं उनका पीपल के पेड़ का और फिर वहां पे दूसरी जगह पे जाके छिड़ता है तो वो उग जाता है. इसका मतलब लिटरली आप देखोगे तो पीपल का पेड़ सही में डेमोक्रेसी जैसा खेलता है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल का पेड़. मुझे भूतों पे एक जोक बनाना था बट मुझे कोई दिखाई नहीं. आज के सवाल पे जवाब देने के लिए मैंने बुलाया है जो पहले भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, वो जो भूतकाल में रहते हैं, जो पास्ट में रहते हैं. देखोगे, मिलोगे ना, क्यों नहीं मिलोगे, आना तो मिलना तो पड़ेगा. तो वापिस आ गया हूं मैं आज, इतने नेल कटर के टाइम पे था मैं, नेल कटर के टाइम पे थर्ड एपिसोड. तो आज मैं आया हूँ लेके पीपल का सवाल, पीपल लोगों का सवाल. पहले आपको मेरे तरफ से नमस्कार, और हम आज शुरू करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरू करते हैं. ये जो पीपल का पेड़ है उसमें उसके पत्तों से लेके उसके फल, उसकी बीज, उसके उसका तना, सभी का हमारे आयुर्वेदा में उपयोग लिखा हुआ है, जिससे हमारे स्वास्थ्य से निगड़ित समस्याओं का हल है. ऊपर से पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन यानी प्राणवायु बनाता है, तो उसका महत्व बहुत बहुत ज्यादा है. पर इस कलयुग में लोगों का क्या भरोसा, अभी इस इतने उपयोगी पेड़ को अगर किसी ने काट दिया तो किसी महापुरुष ने डर फैलाने के लिए ये कहा होगा कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं यानी आत्माएं रहती है. वैसे भूत से याद आया कि हम भूतकाल में हैं, जाएं वापस, समझ तो आ गया कि हमें क्या कहना था. हाँ, मिलते हैं फिर, समझे? जो पीपल का पेड़ है वो बहुत ज्यादा उपयोगी पेड़ है, मतलब इम्पोर्टेंट है, और उसको सेफ रखने के लिए कुछ लोगों ने मे बी ऐसा रूमर फैलाया, रूमर यानी अफवाह फैलाई होगी कि जिससे कोई भी आके उसको ना काटे. ओके, तो इसके साथ हम लोग करते हैं गूगल सर्च, क्योंकि गूगल ही है हमारा लास्ट ऑप्शन. तो ये है थैनोस और ये है गूगल का कॉलम. तो व्हाई इट इज सेड दैट घोस्ट लिव्स ऑन पीपल ट्री, दिस इज क्वाइट डेंजरस सिंस अ ट्री एग्जल्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट, समटाइम्स दिस कुड लीड टू डेथ टू. Hence, the ghost story is to keep them away from the trees. According to the Brahmin's preach, people was the home of many celestial beings. मतलब हम लोग बहुत ही क्लोज थे, मतलब हम लोग ने यहाँ से नहीं खा के यहाँ से खाया है.
पीपल का पेड़ जितना हम लोग ने बोला कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, उससे ही सिमिलर वो रात को बहुत ज्यादा पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसके कारण कभी कभी लोगों की वहां पर अगर कोई रेस्ट करने आया रहेगा तो उसको रेस्ट इन पीस हो गया होगा। तो इसके वजह से ये कहा जाता है कि लोगों को दूर रखने के लिए रात के टाइम पे कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पे रहते हैं भूत आत्माएं। वी वर सो क्लोज, हाँ सो क्लोज, कितना मतलब इसे ऑलमोस्ट सेम ही तो था यार। जो टुडेज क्वेश्चन है वो इंस्टाग्राम पे आने वाला है, आपको तो पता है व्हाट इज टुडेज क्वेश्चन। टुडेज क्वेश्चन में आप मुझे एक क्वेश्चन देते हो जिसका मैं आंसर देता हूँ क्विकली, एकदम मस्त, एकदम फास्ट, फनी, या फिर जो आपको चाहिए वैसे, ठीक है। इंस्टाग्राम का हैंडल ये रहा ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज हिट लाइक, उसके बाद अगर आपको ये चैनल पे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन, और स्पेशली अगर आपको ये लेट्स रेंट का जो कोई भी सेगमेंट है आपको पसंद आ रहा है, आपको और वीडियोस देखने, तो मैंने खुद से एक प्लेलिस्ट बनाया है जो यहाँ पर ऊपर मैं अभी पॉप कराऊंगा, पॉप 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 हो गया, तो प्लीज चेक दैट आउट टू। मिलते हैं हम लोग पता है कभी, ये गुरुवार जो आज हो गया 7 तारीख का, उसके बाद वाला गुरुवार तभी कुछ नहीं आएगा, फिर उसके बाद वाला गुरुवार पे हम आएंगे लेके नया एपिसोड, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा, आयुष कूली नंबर 1।